आपने क्या सॉल्यूशंस पेश किए? हमने इस सॉल्यूशन पेश किया, उसका हल ये पेश किया है कि हमें चाहिए कि खलीज और गल्फ के अंदर जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं बरसरे रोजगार, उनको चाहिए कि यहाँ पर रहते हुए अपने गाँव वाले की फिक्र करें, वहाँ के आइमा की फिक्र करें और यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करके हर महीने में 3,000-4,000 भेजते रहे। इससे कि गाँव के एतबार से अगर गाँव वाले दे रहे हैं 5,000-6,000 रुपये दे रहे तो ये अगर 5,000 रुपये महीने का मिलेगा तो 10 तक पहुँच सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इमाम अगर मजबूत रहेगा तो पूरे मोहल्ले में होने वाली जितनी खुराफात है, ड्रग्स और दूसरी भी जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर क्या करना फिक्र करना चाहिए और जब वो इमाम खुश रहेंगे तो बेहतर तरीके से काम करने वाले बने जाएंगे। स्टार फाउंडेशन से उसमें क्या हम स्टार फाउंडेशन से आपके जितने भी लीगल अवेयरनेस कैंप होंगे जिसके अंदर लीगल जानकारी देनी हो या टीवी एंगल से लोगों को काउंसलिंग करके समझाना हो, इसमें हम पूरे लोकल पूरे महाराष्ट्र में इस मुहिम में आपका साथ देंगे। और इसी के साथ साथ में आइम्मा इकराम के सैलरी की जो आज बात सामने आई वो हमारे दिल की आवाज़ थी। आइम्मा इकराम की सैलरी एक ऐसा मुद्दा है कि उसको अगर प्रॉपर किया गया तो इस्लाह मुआशरा में बहुत मदद मिलेगी। आप जो ड्रग्स का एंटी ड्रग्स का अवेयरनेस मिशन है उसमें क्या बल्कि पूरे गांव के बहुत सारे गलत जो अंदर बातें चलती है उसके इस्लाह के लिए आइम्मा इकराम अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और बासलाहियत उलमा भी मिल सकते हैं अगर उनको एक अच्छी सैलरी दी जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि स्टार फाउंडेशन से जितनी भी आपको जहां भी कोई इस तरह का कोई अवेयरनेस कैंप करना हो, आपको काउंसलिंग सेंटर खोलना हो या आपको मतलब किसी कुछ लोगों को जाकर समझाना हो या कुछ किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो हम पूरे 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी स्टार फाउंडेशन की टीम है उस पूरे टीम की तरफ से आपकी इस इस्लाही बेदारी मुहिम को हम तन मन धन से जो है आपका साथ देंगे। हम भी इस्लाही बेदारी मुहिम की टीम आपका शुक्रगुजार है कि आप इंडिया से आज हमारा प्रोग्राम अटेंड किया। थैंक यू सो मच।